बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। आज हम आपको रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में दो बहुत मज़े की रेसिपीज़ बताने वाले हैं। एक तो बेसन के साथ जो आलू के कतले तले जाते हैं, और दूसरा हमारे पास स्पेशल पोटैटो चीज़ बॉल्स हैं। दोनों आलू से बनने वाली डिशेज़ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी रेसिपी अपलोड हो आपको उसका फ़ौरन पता चल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमेशा की तरह जो है क्वांटिटी और सारे प्रोसीजर के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, यहाँ स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप बेसन ले लेंगे, चक्की का ताज़ा बेसन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना जिस ब्रांड का बेसन आप प्रेफर करते हैं वो आप ले लेंगे। एक बाउल में उसे छान लेंगे, उसके अंदर हम अपने डाल रहे हैं ड्राई इंग्रीडियंट्स जितने भी हैं। तो यहाँ पर हमने नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला है, मीठा सोडा डाला है और अनारदाना पाउडर बेसिकली डाला है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से, और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करना शुरू करेंगे और साथ साथ हम विस्क करते जाएंगे। पानी हमने ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ इतना ऐड करना है कि हमारे पास एक दरमियानी कंसिस्टेंसी या दरमियानी थिकनेस की एक पेस्ट बन जाए। बहुत पतला पेस्ट भी हमें नहीं चाहिए और बहुत गाढ़ा पेस्ट भी नहीं चाहिए। गाढ़ा पेस्ट भी जो है आलू के कतले पर प्रॉपरली नहीं लगेगा, और जो पतला पेस्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा कि जब हम उसको फ्राई करने लगेंगे तो उसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो वो ख़तरनाक होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप दरमियानी कंसिस्टेंसी का रखें, बहुत अच्छे से कोट करेगा आलू के कतलों को। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको आपने सोक करके जब आपकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर आ जाए, जैसे कि हम आपको यहाँ शो करेंगे, तो उसने आपको आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढककर कवर करके साइड पे रख देना है। मकसद हमारा ये है कि बेसन थोड़ा सोक हो जाए, उससे फिर बहुत अच्छा राइज होता है, जो आलू की कोटिंग होती है बहुत नरम और अच्छी क्रिस्पी बनती है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आलू दरमियाने या बड़े साइज के लेकर उसके बारीक कतले काट लेंगे। जितनी हमने आपको यहाँ पे मोटाई दिखाई, तकरीबन जो है ये 1 सेंटीमीटर, मतलब आधे से 1 सेंटीमीटर के दरमियान की मोटाई है। इतने ही मोटे और चौड़े आपने जो है आलू के कतले काटे हैं, लंबाई में हमने काटे हुए हैं पूरे पूरे। उसके ऊपर आप जो है नमक लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने यहाँ पे देखा कि हमने आलू के कतलों को पानी में सोख करके रखा हुआ था, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी आलू यूज़ करने से मना किया जाता है, और खुदा न खास्ता अगर किसी को किडनी का इशू हो तो उनको भी आलू मना किए जाते हैं। तो अगर आप आलूओं को काट कर पानी के अंदर सोख करके रखें कम से कम घंटा दो घंटा, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि किडनी के पेशेंट्स और डायबिटीज़ के पेशेंट्स दोनों को आसानी से खा सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जब आप पानी निकाल लेंगे और नमक में जिस पर लगा लेंगे, तो आपने फ़ौरन से इन आलू के कतलों को बेसन का जो हमारा बैटर तैयार हुआ हुआ था उसके अंदर आपने डिप करके इसको कोट करना है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो कुकिंग ऑयल है वो प्रॉपरली गर्म हुआ हुआ हो। दरमियानी आंच पर हमने प्रॉपरली इसको गर्म करना है, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो फिर आलू के कतले जो है बहुत ज़्यादा ऑयल इनके अंदर चला जाता है और ये बहुत ऑयली हो जाते हैं, फिर इनको खाना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल लाइट और क्रिस्पी रखने के लिए इनको एक बेहतरीन टिप यह है कि आपका ऑयल बहुत गर्म हो, प्रॉपरली अच्छे से गर्म हुआ हो, और आपने एक टाइम पे 3 से 4 कतलों से ज़्यादा इसके अंदर नहीं डालने। पर्पज़ हमारा ये है कि अगर हम ज़्यादा डाल देंगे आलू के कतले इसके अंदर, तो ऑयल का टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा, और फिर वो दोबारा से वही वाली बात की टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा इनके अंदर चला जाएगा। आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट पकाना है इस ऑयल के ऊपर, दरमियानी आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। और हमने जो है कलर जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो बेसन का जो है गोल्डन ब्राउन सा कलर, बादामी सा रंग आ जाए तो वो बहुत होगा। 4 मिनट के अंदर आलू भी बड़े बेहतरीन गल जाते हैं। अगर आप बहुत मोटे आलू काटेंगे तो फिर जो है वो नहीं गलेंगे प्रॉपरली, फ्राई नहीं होंगे, कच्चे कच्चे रह जाएंगे। तो बेहतर है कि आप बारीक काटें कतले, और इस तरह से क्या होगा कि 4 मिनट के अंदर अंदर दरमियानी आंच पे बेसन भी जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो जाएगा कलर में, उसका कलर भी प्यारा रहेगा और आलू भी पक जाएंगे एक साथ ही। तो जैसे ही आपके आलू के कतले फ्राई हो जाएँ, आप इनको किचन टावल या ये जो होते हैं टिश्यू पेपर्स होते हैं, इसके ऊपर आप इनका ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो ड्रेन कर लेंगे, उसको आप सर्व कर देंगे। चाट मसाला ऊपर डालना चाहें आपकी मर्जी है, केचप के साथ भी यूज़ हो सकता है और इमली की चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रेसिपी है वो है हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स। तो बहुत आसान है ये भी रेसिपी, इसकी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हद तक हमारे पोटैटो कटलेट से मिलते हैं। तो उसको आसान सा बस फ़र्क ये है कि आपने जो इसके अंदर चीज़ ऐड करना है, थोड़े से मसालों का फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आलू को अच्छे से गला लेंगे और ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जब प्रॉपरली ठंडे हो जाए आलू, तो हम उनको मैश करेंगे। जब हाफ हमारे आलू मैश हो गए, तो उसके अंदर हम अपने ड्राई जो मसाले हैं वो डाल देंगे। नमक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेमन जूस है वो हम डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई मिर्च है, ये दोनों हम डाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास काली मिर्च है और सफ़ेद मिर्च है, तकरीबन हर किस्म की मिर्च इसके अंदर चली जाती है।
ये आप ऐड करके अब इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। हरा मसाला हम इस टाइम पे ऐड नहीं करें, उसकी वजह ये है कि अगर आप साथ ही साथ हरा मसाला ऐड कर देंगे तो फिर मिक्स जो है प्रॉपरली नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा नमक रह जाता है, मसाले कहीं ज़्यादा रह जाते हैं, आलू में कहीं कम हो जाते हैं। तो आपने इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो फिर उसके अंदर आप अपने जो बाकी आपके फ्रेश हर्ब्स हैं वो आप ऐड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च थी, चॉप की हुई छोटी सी प्याज है, यहाँ पर धनिया है हमारे पास फ्रेश, और फ्रेश पुदीना है, ये दोनों हमने चॉप किए हुए सब कुछ। और इसको हम अब आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्रॉपरली हर जगह फैल जाए मसाला। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, चीज़ हमने यहाँ पे ले लेनी है। मोजरेला चीज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है और चेरी चीज़ इस्तेमाल की, इन दोनों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया अलग अलग। अगर तो आप बाजार वाले जैसे चीज़ के स्लाइसेस मिलते हैं चेरी चीज़ के, अगर आप वो यूज़ करें तो फिर तो आप इसके अंदर मोजरेला चीज़ ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप एज्ड चेरी जो है वो यूज़ करें जो पिज़्ज़ा के लिए स्पेशली इस्तेमाल की जाती है, अगर आप वो इस्तेमाल करें तो उस एज चेरी के साथ आपको मोज़रेला डालने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया है। और जैसे डम्पलिंग के लिए हम पहले फ्लैट करते हैं डो को, उसी तरह आपने आलू को लेके फ्लैट करना है, उसके अंदर छोटा सा गढ़ा बनाना है और उसके अंदर आपने चीज़ की फिलिंग करके उसको डम्पलिंग की तरह बंद करके बॉल बना लेना है। बहुत आसान सा तरीका कार है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। छोटा सा बॉल लेंगे हाथ में आलू का, उसको फ्लैट करेंगे प्रॉपरली हाथ के ऊपर और चीज़ जो है दरम्यान में डालकर तो उसको बॉल बना के गोल करके रख देंगे। इस तरह से हम सारे अपने चीज़ बॉल्स बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो है एक अंडा लेना है, उसके अंदर आपने नमक ऐड करना है, आपकी मर्जी अगर आप नमक मिर्च उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आप खाली अंडा भी फेंट सकते हैं। और आपने सारे अपने जो चीज़ बॉल्स बनाए होंगे उस फेंटे हुए अंडे के अंदर आप डिप करेंगे और उसको ब्रेड क्रम्स में डिप कर देंगे। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब आपने क्या करना है। इस तरह से सारे मैं यहाँ पे चीज़ बॉल्स तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। बात कर लेते हैं कि ये दोनों रेसिपीज में, वैसे आलू के कतले जो हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली पसंद किए जाते हैं, चीज़ बॉल्स में हमने लेमन का जूस इस्तेमाल किया, आपने देखा होगा। उसकी वजह ये है कि चीज़ बहुत हैवी होता है, बहुत क्रीमी आइटम है, और अमूमन जब हम बहुत कोई हैवी चीज़ खाते हैं तो कोशिश की जाती है कि इसके साथ बेहतर होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो उसका हैवीनेस को कट डाउन कर दे, फैट की क्रीमीनेस को थोड़ा कट डाउन करे। तो उसके लिए हम इसके अंदर लेमन जूस हमने यूज़ किया, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अंडे के अंदर आप डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में डिप करके एक कोट कर लेंगे। जब पहला कोट हो जाएगा सारे बॉल्स पे तो आप उसके ऊपर सेकेंड कोट भी इसी तरह अंडे के अंदर डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के आप दूसरा कोट भी इस तरह करेंगे। एहतियात से इनको कोट कीजिएगा वरना हाथ बहुत मेसी हो जाते हैं। तो जैसे आप ब्रेड क्रम्स लगाएंगे उसके बाद आप इसको हल्का हल्का हाथ के अंदर रोल भी कर लेंगे ताकि आपके ब्रेड क्रम्स प्रॉपरली चिपक जाएं। ये ब्रेड क्रम्स जो है ये हमने घर के अंदर बनाए हैं, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि घर के अंदर ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं। बहुत आसानी से बनते हैं और बाजार से बहुत बेहतर होते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, और आप इसकी क्वांटिटी जो है वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने कितना ब्राउन करना है, मीठे रखने हैं नहीं रखने घर में बनाने का ये फ़ायदा होगा। और उसके अलावा ये फ्रेश आपको जब आप चाहें उस टाइम अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से हमने पहला कोट सारे अपने चीज़ बॉल्स पे कर लेना है। लीमू की हमने बात कर ली है इसके अंदर, और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अमूमन आपने देखा होगा कि हमारी रमज़ान रेसिपीज़ के अंदर पुदीने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि रमज़ान में आप सारा दिन जो है भूख प्यास की हालत में ऑब्वियसली रहते हैं, तो शाम के टाइम अमूमन फ्राइड चीज़ें हमारे यहाँ पे ट्रेंड है ज़रूर कि हम शाम को जो है अफ्तारी में तली हुई चीज़ें बहुत खाना पसंद करते हैं। लेकिन उसकी वजह से अमूमन जो है आप बजाय रमज़ान में वेट लूज करने के बजाय ईद तक हम सारे ज़्यादातर लोग मोटे हो चुके होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि सारी चीज़ें हज़म करने के लिए पुदीना हमें हेल्प आउट करे। पुदीना और धनिया का इस्तेमाल हमारी रेसिपीज़ में इसलिए ज़्यादा होता है कि आपको हज़म करने में आसानी हो इन सारी फ्राइड आइटम्स को। तो जैसे आप सेकंड कोट भी कर लेंगे अपने बॉल्स के ऊपर, इसी तरह से आपने तेल प्रॉपरली गरम कर लेना है आलू के कतलों की तरह मीडियम आंच पर। लेकिन उसके बाद आपने आंच हल्की कर देनी है और एक टाइम पे 8 से 9 चीज़ बॉल्स आपने डाल देने हैं। जो आपके ब्रेड क्रम्स हैं वो बहुत जल्दी ब्राउन होते हैं, तो हमने आंच हल्की इसलिए की और ज़्यादा चीज़ बॉल्स इसलिए डालें कि तेल का टेम्परेचर एकदम थोड़ा कम हो जाए। ये इतना ज़्यादा क्योंकि बाजारी ब्रेड क्रम्स नहीं है तो इतना ज़्यादा ऑयल भी सोक नहीं करेंगे। हर तरफ से आपने इनको घुमाते रहना है ताकि बराबर बादामी सा रंग जो है वो हर तरफ से आ जाए, गोल्डन ब्राउन फ्राइड कलर जो है हर तरफ से आ जाए। कांटे की मदद से कर सकते हैं, आपके पास अगर चिमटा है तो उसके साथ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे चीज़ बॉल्स तैयार हैं, हम आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाएंगे कि इसके अंदर चीज़ आपको किस तरह से तारे बन रही हैं। तो बेसिकली मोज़रेला चीज़ डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग्स बनते हैं चीज़ के, वो मोज़रेला डालने से बनते हैं। तो यहाँ पे रेसिपी तैयार है,
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने फीडबैक्स दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। आई रिकमेंड कि रमज़ान सीरीज़ जो आप हमारी ज़रूर ट्राई करें, और हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।